दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय स्टोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 20 अक्टूबर सन 2024 रविवार। दोस्तों रविवार में हम कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको लाने आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली और कैस्टर सीड के बारे में। गौरतलब है तेलहन पर मूंगफली और कैस्टर सीड पर अपडेट देने वाले बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस हैं, चैनल हैं। हमारा आपसे वायदा है कि हम ऑयल सीड्स पे, चाहे वो कैस्टर हो, मूंगफली हो, कॉटन वॉश हो, कॉटन रिफाइंड हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो, पाम तेल हो, आरबीडी हो या फिर सरसों, इसकी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुँचा सकेंगे। साथ साथ विशेष अग्रिम रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में अरंडी की तेज आवक के सामने डिमांड कंट्रोल्ड हो गई है, इससे भाव कमजोर हो गए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट मूंगफली और अरंडी के ऊपर। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारी तिलहन पर यानी ऑयल सीड्स के ऊपर, खाद्य तेलों पर विशेष अग्रिम रिपोर्ट जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए भी संपर्क किया जा सकता है। खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में अरंडी की तेज आवक के सामने डिमांड कंट्रोल्ड रही और इससे भाव कमजोर हो गए हैं। गुजरात में पिछले दो दिनों में अरंडी की तेज अराइवल यानी आवक होने से भाव टूट रहे हैं और व्यापारियों का कहना है अरंडी की आवक के सामने डिमांड कमजोर रहने से भावों पर दबाव बना हुआ है। शनिवार को गुजरात में अरंडी के भावों में 10 रुपये प्रति 20 किलोग्राम कमजोर हो गए हैं और आने वाले दिनों में अरंडी की आवक और अरंडी की तेल की डिमांड, विशेषकर एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी, उसके ऊपर बाजार के भाव निर्भर करेंगे, ऐसा कहना है कुछ ट्रेडर्स का। गुजरात में 37,000 बोरी की आगमन है, जबकि 5,000 बोरी राजस्थान से और डायरेक्ट लगभग 4,000 बोरी का व्यापार होने के समाचार हैं। कुल मिलाकर 46,000 बोरी की आवक के समाचार हैं और अरंडी के भाव यदि हम देखें तो औसत भाव 1275 से 1295 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थे। शनिवार को NCDX का वायदा बंद होने से मिल वालों ने भाव में खास बदलाव नहीं किया है। शिपर्स ने सुबह एक की भाव 1331 रुपये और NK का सुबह का एक का भाव 1335 रुपये और कांडला का सुबह का एक भाव 1320 से 1325 रुपये प्रति 20 किलोग्राम रहने के समाचार हैं, जबकि अरंडी तेल में कांडला डिलीवरी पर रेडी टू रेडी के सुबह का भाव 1340 रुपये कूट हुआ है। ये शनिवार की खबरें आप तक पहुँचाई जा रही है। दोस्तों कहा जाता है कि व्यापार में अग्रिम विश्लेषण अनुमान यही व्यापार की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आप ईमानदार हैं, मेहनत बहुत करते हैं, आपका व्यवहार बहुत ठीक है, आपकी पेमेंट टर्म्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप अग्रिम अनुमान नहीं लगा पाते हैं, विशेषज्ञों की मदद नहीं ले पाते हैं, तो आपका व्यापार एक सीमित दायरे में घूमता है। लेकिन आप सटीक विश्लेषण अग्रिम प्राप्त कर लेते हैं तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। और दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो उसका एनालिसिस का मुकाबला पूरा विश्व में कोई नहीं कर सकता और यही वजह है कि आज खाद्य तेलों में विदेशी निवेशक, मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ये सभी भारतीय अनुसंधान पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करने का प्रमुख कारण है उनका सटीक अग्रिम विश्लेषण। आज मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, USA, यहाँ से लगातार हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, पेड क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बात करिए। दोस्तों अब खबर मूंगफली पर। मूंगफली में उत्तर भारत में मूंगफली लगभग 2.25 लाख बोरी की आवक के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ उत्तर भारत में मूंगफली की जबरदस्त आवक हो रही है, जबकि सौराष्ट्र में मूंगफली की आवक के प्रमुख दो केंद्र जो गोंडल और राजकोट मंडी में मूंगफली की आवक बंद थी, इसलिए सौराष्ट्र में 25 से 30 हज़ार बोरी की आवक की झलक थी। अगले सप्ताह मूंगफली की बड़ी आवक होने की संभावना है क्योंकि इसके बाद दिवालियों की छुट्टी हो जाएगी, उससे पहले जो किसान बेचना चाहते हैं उनकी आवक बढ़ने की प्रबल संभावना है।
यदि गोंडल मंडी से में 28,000 बोरी की आवक के आसपास 28,000 बोरी के आसपास का पेंडिंग माल पड़ा था, उन्हीं में से व्यापार होने के समाचार हैं। नई आवक सोमवार से शुरू होगी और एवरेज क्वालिटी के भाव 1105 से 1290 और बेस्ट क्वालिटी के भाव 1090 से 1250 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थे। राजकट मंडी में भी जैसे हमने बताया कि नई आवक बंद थी, लेकिन पिछले 25,000 बोरी पेंडिंग थी, उसी में व्यापार हुआ और एवरेज क्वालिटी के भाव 1030 से 1221 रहे और बढ़िया क्वालिटी के 1000 से 1200 रुपये प्रति 20 किलोग्राम हैं। अब पूरे गुजरात की मतलब उत्तर गुजरात की बात करें तो डीसा में 60,000 बोरी मूंगफली की आवक के समाचार हैं और भाव 950 से 1500 रुपये है क्वालिटी अनुसार, 20 रुपये ये भाव 20 किलोग्राम के हैं। जबकि पालनपुर मंडी में 27,500 की अराइवल के सामने 950 से 1400 के भाव प्रति 20 किलो, पांथावाड़ा मंडी में 42,375 बोरी की आवक के सामने 1,000 से 1371 रुपये प्रति 20 किलोग्राम, हिम्मतनगर में 25 बोरी और गुंदरी में 20,000 बोरी की आवक के समाचार थे, कुल 1.75 लाख यानी 2.25 लाख बोरी की आवक थी। दोस्तों उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए ज्ञानवर्धक और बढ़िया रही होगी। आप विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।